मजहबी नशा बांटिएगा, कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय के झगड़े वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। नौजवान साथियों, ये भाई ने जो रोस्टर पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने और जो नौजवानों ने जो ये कार्यक्रम शुरू करने का काम किया है, मैं इनके लिए इनको साधुवाद देना चाहूंगा। और इसलिए साधुवाद देना चाहूंगा कि यह लड़ाई इसकी नहीं है कि विश्वविद्यालय में कौन लोग पढ़ेंगे कौन लोग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यह लड़ाई इस तरह से की जा रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में गांव गरीब किसान मजदूर और जंगल में रहने वाला अब दलित नहीं आ पाएगा, सिर्फ लुकियन जोन्स के लोग और सिर्फ महलों में रहने वाले लोग ही आएंगे। इस तरह की लड़ाई बनाई जा रही है, लेकिन हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम गांव गरीब किसान के लोग हैं, हम किसान के बेटा हैं, और ये फूलन देवी जो हैं जिनकी तस्वीर आपने लगाई है, मुझे अच्छा लगा, हम उस दल के सदस्य हैं कि हमारे नेता ने फूलन देवी को जिनके साथ सामंतियों ने अन्याय किया उसको भी न्याय देने का काम जिस नेता ने किया उसके उस पार्टी के हम सदस्य हैं, इसका भी मुझे गर्व है। नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई को और बड़ी करिए, और आपको लक्ष्मण भाई और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम साथियों को आमंत्रित करता हूँ, हम लोग चंदौली बनारस के रहने वाले लोग हैं, कि आप बनारस में आइए, एक नहीं हजार हजार नहीं लाखों की संख्या में बिहार से लेके नौजवान हम आपके पक्ष में खड़ा करने का भरसक प्रयास करेंगे और आपको आपके लड़ाई को साथ देने का काम करेंगे। बस दुष्यंत कुमार की और यह संविधान की बात हो रही है। नौजवान साथियों, थोड़ा सा समय कम है, बस ये मैं कहना चाहूंगा कि आप गीता पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, आप कुरान पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, आप रामायण पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन यह संविधान का प्रियम्बल, यह संविधान की प्रस्तावना कमजोर हो जाएगी, आप न रामायण पढ़ पाएंगे न गीता पढ़ पाएंगे। इसलिए संविधान को बचाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए तुम सभी का एक होना नितांत आवश्यक है। अब समय अभाव है, लक्ष्मण भाई का बहुत दबाव है, नहीं बहुत सारी बातें इस देश में लोग कहते हैं, देश में लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। मुझे हैरानी होती है कि ज्यूडिशरी में भौरी का मामला जो था राजस्थान का, उसे आतंकवादियों को इस वजह से बरी कर दिया गया कि ज्यूडिशरी के लोगों ने, जजों ने ये कहा कि इस जात को तो बड़े लोग छूते नहीं है, रेप कहां से करेंगे। सोचिए इस तरह के लोग हैं ज्यूडिशरी में। सर मेरा तो मानना है, मैं माननीय सांसद जी से हमेशा बात करके कहता आया हूँ कि इस देश में अगर मुकम्मल बदलाव की किसी चीज में जरूरत है तो उस चीज का नाम और उस संस्था का नाम जुडिशरी है, मैं ये कह के जा रहा हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, जय हिंद।